महक, आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया इसमें? पहले मतलब वो निकाला है, वो ट्रायल एंड एरर मेथड से कि किससे हो सकता है, वन तो ट्वेंटी के एक्सप्रेस फैक्टर्स फंड निकाले से या पहले वो किससे निकाला? हो सकता है, तो एक्सप्रेस फंड से ठीक है, एक्स प्लस वन से होगा या एक्स माइनस वन से होगा? देखें एक बार, चेक करें, प्लस से भी हो सकता है, माइनस से भी हो सकता है, एक बार चेक करते हैं। इसके अंदर हम डालते हैं वन, वन क्यूब माइनस 23, वन स्क्वेयर प्लस 140 माइनस 120, वन माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, माइनस 22 प्लस 142 माइनस 120, माइनस 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 142 प्लस 142 यानी जीरो, यानी मेरा एक्स माइनस वन से ये हो रहा है। ठीक है, अब स्टेप टू क्या है मेरा? स्टेप टू है मुझे लॉन्ग डिवीजन यूज़ करना है। आई हैव टू यूज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो मैं करूँगी एक्स माइनस लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर लेते हैं। एक्स माइनस वन, देन एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वेयर प्लस 142 एक्स माइनस 120। मैं पहले किससे मल्टीप्लाई करूं एक्स को, किससे करूं कि मेरा एक्स क्यूब आ जाए? एक्स एक्स स्क्वेयर से, क्योंकि इसको इससे करूंगी तो एक्स क्यूब, फिर इसको इससे करूं एक्स स्क्वायर। माइनस वन मुझे पता एक्स है कि मेरे साइन चेंज हो जाएंगे, कट जाएगा ये। इस माइनस वन को इस एक्स स्क्वायर से किया तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आया, ये प्लस हो गया तो ये माइनस 22 एक्स स्क्वायर। अब मैंने ये ऊपर से ये उतार लिया, अब मैं एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा माइनस ट्वेंटी टू माइनस एक्स टू एक्स ठीक है, माइनस 22 एक्स, ओके, माइनस 22 एक्स स्क्वायर, इस माइनस को इससे करा प्लस 20, फिर मेरे साइन चेंज होंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, मेरा आ गया 120 एक्स। फिर मैंने ये ऊपर से उतार लिया। ठीक है, अब मैं एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 120 एक्स आ जाए? प्लस प्लस 120 से, इसको इससे करूंगी तो 120 एक्स आया, इसको इससे करूंगी तो माइनस, अगेन मेरे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस माइनस है ये प्लस, जीरो। तो मेरे पास ये पूरा आ गया जो मुझे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करनी है। यानी एक तो मेरे पास एक्स माइनस वन फैक्टर है, दूसरा मेरे पास अब ये आ गया। मेरा थर्ड स्टेप क्या हुआ? अब मुझे इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसको यूज करनी है। तो पहले मैं 120 का फैक्टर्स निकालूंगी, टू मैम से स्पष्ट कर क्या सिक्स। था फर्स्ट स्टेप आपने ये देखा था कि इसके अंदर जो इसका फैक्टर है वो जीरो ला रहा है कि नहीं ला रहा, कोई भी एक फैक्टर, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो 120 को, एक वन करके, वन डाल के जीरो ला रहे हो कि नहीं, अरे टू डाल के जीरो आ, ताकि आप उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कर सको। तो आपको ये एक फैक्टर तो मिल गया, लेकिन अब इसे भी तो सॉल्व करोगे। तो अब इसके लिए हमें इसको सॉल्व करने के लिए 120 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे इस तरह, 30, 20, 15, 3, 5, 5, 1। अब आपके पास है 2, 2, 2, 3, 5। अब इसमें से ऐसे क्या बनेगा कि 22x आए? कौन से ऐसे माइनस 8x माइनस 15x एंड माइनस 8x? यस मैम एट और यस मैम 15 22 कैसे होते हैं? नो, सोचो सोचो सोचो,
8 और 5 प्लस 15 प्लस 5 तब भी नहीं बनेगा 22 15 प्लस 5 हम सबको ऐड कर देंगे और लास्ट में 2 को माइनस कर देंगे इसको आप क्या बना सकते हो ये देखो तो 1 भी तो फैक्टर आ जाएगा ना तो 16 प्लस 16 प्लस 5 उसमें मैं कह रही हूँ ठीक है वो भी कर सकते हो लेकिन जो मैं सोच रही हूँ बेस्ट तरीका वो ये है कि आप इस तरह करो ये देखो 2 2 4 4 2 8 ये करो 2 2 4 4 3 12 एंड 12 5 ये 2 5 10 10 × 1 10 ये 12 और 10 ताकि आपकी कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इजी हो जाएगी 12x माइनस 10x प्लस 120x एक्स माइनस 12 माइनस 10 एक्स माइनस कब आता है 10 की टेबल में 20 जा एक मिनट मुझको जो भी है 10 की टेबल में 120 कब आता है जब मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो x माइनस 12 x माइनस 10 ये आ गया आपका और एक x माइनस 1 तो मेरा फैक्टर था ही था ये हो गया मेरा आंसर आपका क्या आया था महक मेरा से बहुत अलग आया था यहाँ तक सही हुआ था ये चीज सही हुई थी मैम ये इस मतलब क्वेश्चन गलत आया ओके एंड कांचा आपको समझ आ गया अब मैम मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा था ओके एंड मन्नत आपने भी क्वेश्चन गलत लिखा था मैम अभी बनाया तो अभी सही आ रहा है सो ठीक है